हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। बेसिकली ऑफर और इनविटेशन, ऑफर इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस हम आज डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, कि ऑफर किसे बोलते हैं और इन्विटेशन टू ऑफर किसे कहा जाता है। अगर मैं पहले वर्ड की बात करूं, जनरल वर्ड की, ऑफर की, ऑफर मींस जब भी आप किसी को कोई भी जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई भी स्कीम है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी बात के लिए किसी को कुछ बोलते हैं तो वो एक ऑफर होता है। ये हुआ लेमन लैंग्वेज में। तो कहने का मतलब कि अगर आप किसी को कुछ बताते हैं, कुछ कन्वे करते हैं अपनी बात किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और वो उसको आप बताते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने रुपए का है, एक्स वाई जेड रुपीज अमाउंट का है, तो वो हो गया ऑफर। और इनविटेशन टू ऑफर क्या मतलब हुआ इनविटेशन टू ऑफर का? इनविटेशन टू ऑफर वर्ड से जो मतलब है वो ये निकलता है कि जो आप ऑफर कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर कॉलोनी को या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि आप चाहते हैं कि जो ये मेरा प्रोडक्ट है या जो ऑफर है ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी को ही दिया जाए या एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप कोई ऑफर निकालते हैं। तो ये हुआ हमारा बेसिक मतलब जो था ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर से। तो हम इसमें डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं? बेसिकली इसमें डिफ्रेंशिएशन इसीलिए किया जाता है, जो ऑफर वर्ड है वो होता है पब्लिक एट लार्ज के लिए, कि आप कॉमनली जो ऑफर लगाते हैं, और जो इन्विटेशन टू ऑफर वर्ड है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हम एक शॉप पर जाते हैं, वहां पर सेल लगी हुई है अप टू 50% ऑफ, तो वो क्या है, ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? बेसिकली वो एक ऑफर है जिसके लिए वो आपको इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट का मतलब कि जो भी पर्सन शॉप में आएगा तो उसके लिए वो ऑफर है, तो वो पब्लिक एट लार्ज के लिए है। और जो इनविटेशन टू ऑफर हुआ वो ये हुआ कि आप शॉप पर जाते हैं, वो आपको बोलता है कि सर मैं आपके लिए स्पेशली 20% डिस्काउंट एक्स्ट्रा दूंगा, तो वो सिर्फ आपके लिए स्पेशली होगा। तो वो एक जो जनरल आपके लिए स्पेसिफिकली ऑफर है उसको इनविटेशन टू ऑफर बोलते हैं। या फिर इसको हम एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक और एग्जांपल में, मुझे अपनी कार सेल करनी है, मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूं, और मैं आपको बोलता हूं कि क्या आप मेरी कार 1 लाख रुपीज में परचेज करेंगे, और अगर आप वो बोलते हैं कि यस मैं उसको परचेज करता हूं, या जो भी हमारे यहाँ की बात होती है यस नो में, तो ये हुआ इनविटेशन टू ऑफर। ये पर्टिकुलरली मैंने आपके लिए किया है। और या फिर मैं जनरली बोल देता हूं कि मुझे अपनी कार बेचनी है 1 लाख रुपए में, कोई अगर लेना चाहता है तो वो ले सकता है। तो ये हुआ हमारा ऑफर। फिर इसमें हमारी जो बात है, हमारा जो ये पॉइंट है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है जनरल ऑफर और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर से हमारा क्या मतलब है? कि जो हमारा ऑफर है वो हमारा जर्नली है, कोई भी आकर ले सकता है। और जो हमारा स्पेशल ऑफर है वो हम स्पेशली एक पर्सन के लिए निकालते हैं, कोई स्पेशल पर्सन के लिए। तो ये दो पॉइंट थे हमारे जर्नल और स्पेशल ऑफर के लिए। तो ये जो दो हमारे ऑफर हैं, जर्नल और स्पेसिफिक ऑफर, ये फिर बात आती है इसके ऊपर एक, आप सोच के देखिए कि ये दोनों वर्ड ड्राइव कैसे हुए, निकले कहां से, इनका रीजन क्या था आने का, कि ये ही दो ऑफर क्यों है। एक ऑफर को हम सिंपल ऑफर भी बोल सकते कि एक ऑफर है, फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट क्यों किया जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में, स्पेशल ऑफर में। तो इसके लिए केस हुआ था कार्ले वर्सेस कार्बोलिक स्नोबॉल कंपनी का। अगर आपने सुना भी हो, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जनरली यूज होने वाली ये हमारी केस लॉ है। इस केस लॉ में क्या हुआ था, बेसिकली एक लेडीज ने एक पंप खरीदा, तो उसमें क्या था कि कंपनी का दावा था उस बात के लेके कि आपको अगर ये हमारी आप मेडिसिन लेते हैं तो उससे आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। लेकिन उस लेडीज ने उसको परचेज किया और उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो कंपनी की एक एड थी उस टाइम जिसमें वो बोलती थी कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम उसे 100 पाउंड रुपीज देंगे, 100 पाउंड देंगे, 100 पाउंड देंगे। और उसके लिए उन्होंने ये भी एडवर्टाइज किया कि उन्होंने जो 1000 पाउंड हैं
वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट किए हुए हैं। तो उसे दिखाने का रीजन ये था कि कस्टमर जो है वो श्योर हो जाए, सेफ साइड हो जाए कि जो वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो जेन्युइन है, और जो अगर उसको इन्फ्लुएंसा हुआ दवाई लेने के बाद भी तो हम उसे 100 pounds श्योरली पे करेंगे, जिसके लिए कि उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई हुई है। तो उस लेडीज को इन्फ्लुएंजा हो गया वो मेडिसिन लेने के बाद भी, तो उसने फिर कंपनी से क्लेम किया। कंपनी से क्लेम करने के बाद कंपनी उसको डिनाई करती है, फिर उनका ये केस होता है 1893 में। इस केस में फिर क्या हुआ, कंपनी अपने डिफेंस में बोलती है कि जो हमने ये ऑफर दिया था ये मेयर एक एडवर्टाइजमेंट था। एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने ये बोला कि उन्होंने डिफेंस ये दिया कि हम कुछ भी बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में, ये तो मेयर एक एडवर्टाइजमेंट है, इसमें हम श्योरिटी नहीं दे रहे। तो फिर कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया था कि जो आप ऑफर ये आप दे रहे हैं, जो भी आप ये बात बोल रहे हैं अपनी, इसके लिए आप श्योर हैं और ये कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रही है आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, और फिर ऊपर से जो आपने वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की है वो आपकी श्योरिटी है कि जो आपने 1000 pounds डिपॉजिट किए हैं उसमें से आप कस्टमर को जरूर पे करेंगे अगर उन्हें इन्फ्लुएंजा हुआ। फिर उसके बाद कंपनी एक बात बोलती है कि सर फिर ऐसे तो हम पता कैसे लगेगा कि फिर ये ऐसे तो फिर सारे पब्लिक आएगी वो, उनके साथ क्या हम अलग अलग से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते रहेंगे। यहां ये पॉइंट उठा था इस बात पे, जब कार्बोलिक स्नोबॉल कंपनी ने ये पॉइंट उठाया अपना, वो तो कहने लगे कि जो हम ये ऑफर कर रहे हैं फिर तो हम हर पर्सन के साथ ही एक एक कॉन्ट्रैक्ट अलग से बार बार एंटर करते रहेंगे। फिर वहां कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो ऑफर है वो दो टाइप से होता है, एक होता है जर्नल ऑफर और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर, और जो ये आपका ये ऑफर था कार्बोलिक स्नोबॉल कंपनी का ये था जर्नल ऑफर पब्लिक एट लार्ज के लिए, सारी पब्लिक के लिए जो शो होता है, जो कि हम आजकल टीवी पर एड भी देखते हैं, जैसे कि हमारी टूथपेस्ट की एड आती है, हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स की एड आती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी एड्स आती हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक जर्नल ऑफर है पब्लिक एट लार्ज के लिए, कि जैसे फेयर एंड लवली दिखाता है कि आप ये क्रीम लगाएं तो आपको स्किन पर इफेक्ट दिखेगा। सो बेसिकली आज का हमारा लेक्चर यही था ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट बताई है, जिसके ऊपर हमारे दो पॉइंट्स जनरेट हुए थे, जर्नल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर। तो इस केस लॉ की अथॉरिटी से कार्ले वर्सेस स्नोबॉल कंपनी से यहां से हमारी बात निकली थी कि जो जर्नल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी होगी कि जो हमारा ऑफर है ये डिफरेंशिएट कैसे हुआ था और इसका रीजन क्या था इसके पीछे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।